अस्सलाम वालेकुम पाक प्लेयर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है वो एक जनरल डिस्कशन वीडियो है। मेरे साथ जुनेद अकरम मौजूद है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर व्लॉगिंग के अंदर अगर मेरा ख्याल है टॉप नाम बनाए तो उनमें टॉप थ्री की लिस्ट में इनका नाम जरूर आता है। तो जुनेद भाई के साथ आज हम कराची में हैं, उनकी गाड़ी पे हैं, तो इनके साथ ज़रा डिस्कशन करेंगे। बिकॉज जनरली मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं जिनमें ये पाकिस्तान की ट्रैफिक, खास तौर पे कराची की ट्रैफिक के ऊपर काफ़ी दफ़ा मैंने देखा कि रोस्टिंग भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, और कई दफ़ा जो इनके जज्बात होते हैं वो मेरे और इनके जज्बात बिल्कुल सही होते हैं। मैं ज़रा एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा होता, लेकिन मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने कहा चलें आज इनके साथ एक गपशप भी लगाते हैं और कराची की ट्रैफिक पर डिस्कशन भी करते हैं। जुनेद भाई बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया अपना टाइम निकालने का। थैंक यू सुनील भाई, आप आए। और सलमान भाई क्या कर रहे हैं? यार गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ, लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि ऐड कैसे लगाऊं। यार तीन सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स पोस्ट करें, उसके बाद आपने टाइपिंग की जरूरत नहीं है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकालें और उसके बाद रीजनेबल प्राइस लगाएं। तो बस पोस्ट एंड ऐड पर क्लिक करें और ये गई आपकी गाड़ी। सर बिक गई। आपका दर्द मुझे आपकी गाड़ी में कहीं कहीं जगह नजर आया है कि जो कराची की ट्रैफिक की वजह से आपकी गाड़ी के साथ कहीं कहीं जगह पे निशान पड़े हुए हैं। हाँ। तो मैंने कहा चले उसी पे वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ऑल आई थिंक ऑल योर लाइफ आपने कराची में रहे ज्यादातर। हाँ मोस्टली 5 साल माइनस करके बाकी सारा टाइम मेरा कराची में ही गुजरा। ठीक है, बाकी 5 साल मेरे ख्याल दुबई में रहा हूँ। सही है, चलो फिर तो बड़ा अच्छा कंपेरिजन हो जाएगा। सो कराची की ट्रैफिक की जो अगर टॉप 3 चीजें किसी को आपने तारीफ में बतानी तो वो क्या है? तारीफ में? हाँ। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल सवाल है। ये देखें ना, रिक्शा कहाँ से पड़ रहा है? हाँ। ये देखें आप, और ये हम मेन 3 तलवार पे खड़े हैं। सही है। और वो सामने पुलिस चौकी सारे बैठे हैं। सही है। मगर यहाँ तो लॉलेसनेस इतनी ज्यादा है। मैं लाहौर इस्लामाबाद जाता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि कम से कम कुछ तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है। यहाँ आपका जो दिल करे करो, अभी मैं ये तोड़ दूँ, देर आर 0 consequences डिस्पाइट द फैक्ट कि आगे पुलिस वाला खड़ा है, कुछ नहीं होगा मुझे। अच्छा, कराची के जो पुलिस वाले हैं उनसे मैंने जनरली ये देखा कि यहाँ की जो आवाम भी है वो बहुत नडर हो चुकी हुई है। हाँ बेसिकली हमारे पंजाब वाली साइड पे या केपी डंडा नहीं है वहाँ पे, अगर आप वर्दी देख लेते हैं देन पीपल स्टे अवे, कि यार वो कहते हैं रुक जाओ, कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या वजह, क्यों नहीं? यहाँ सारे बदमाश हैं, सभी किसी ना किसी को जानते हैं। और वही वाली ये चीज़ मैं बड़ी यहाँ पे मिस करता हूँ, जो कि मैंने वैसे लाहौर इस्लामाबाद में देखी है, और दुबई में तो खैर बहुत ही है। फिर पुलिस का डर है, लोग डरते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे तो पुलिस खुद कह रही होती है रॉन्ग वे, और मेन चारा फैसल पे जब आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो ड्रिग रोड वाली साइड पे पुलिस खुद रॉन्ग वे करवा रही होती है ट्रैफिक के लिए। वो भी आप क्या एक्सपेक्ट करें जब आप पुलिस ही आपको इतना। अच्छा जनरली हालांकि देखा जाता है आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी एजुकेशन के साथ आपकी जो रिलेटेड है ये चीज़, और कराची अगर हम कंपैरिजन करें तो मुझे ये लगता है कि इसका जो एजुकेशन लेवल है इज अमंगस्ट हाईएस्ट इन कंट्री। अगर हम क्या ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसेज में जाने वाली क्लास है, वर्किंग क्लास है, ऐसे लोग नहीं है जो होता है ना पंजाब का एक कल्चर, लोग कहते हैं कि शायद जिम्मेदारा वाला कल्चर है, यहाँ पे बैठे रहने वाला कल्चर है, यहाँ पे हर बंदा काम पे जाता है, उसकी वजह से सड़क पे रश भी ज्यादा होता है। लेकिन जनरली वन वुड एक्सपेक्ट कि यार जब आपकी एजुकेशन लेवल ज्यादा तो ट्रैफिक के रूल्स भी ज्यादा ओबे करेंगे लोग। लेकिन देखिए इसमें एक बात है, अभी जैसे इस्लामाबाद में बड़ा फ्रीक्वेंटली जाता रहा हूँ पिछले 5 साल से, और लाहौर तो खैर उससे पहले से ही आ रहा जा रहा हूँ। इस्लामाबाद में मैंने खुद 5 साल पहले खुद एक करीम में मैं बैठा हुआ था, मैंने उस भाई को तारीफ की, यार ये देखो लोग लेन में चल रहे हैं सारे। इस्लामाबाद हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जाके जो है ना वो जो 5 लेन वाला रोड है उस पर 8 लेनें चल रही होती हैं। सही है। तो मैंने एक ड्राइवर से पूछा, मैंने यार ये क्या वजह, ये 5 साल पहले ऐसा नहीं था? तो उसने बोला ये दूसरे इलाकों से जो लोग आ रहे हैं ये वहाँ की प्रैक्टिसेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब इस्लामाबाद ग्रो कर रहा है। ठीक है। अब आप इस्लामाबाद का कोई बिल बोर्ड उठाएं, बिल्डिंग ही बन रही है, बिल्कुल कुछ और नहीं बिक रहा, वहाँ पे प्लॉट ही बिक रहे हैं। तो अब वो जो दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं वो अपनी वहाँ की प्रैक्टिसेस लेकर आ रहे हैं, तो जब वो ओवरशैडो, यहाँ पे भी यही मसला है, तो वो अगर आप सही भी चले ना लोग फोर्स करते हैं आपको गलत करने के लिए। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो हॉट व्हील्स से लेके उनको टेबल पे रख के मैंने ट्रैफिक की सिचुएशंस बनाई। सही है। तो उसमें एक ये भी होता है ना कि अगर आगे वाला सिग्नल मुंह तक बंद है, आपका ग्रीन भी हो गया है, तो आपने नहीं जाना आगे, ठीक है, वरना आप चोक कर दोगे। नो गो एरिया सारे वो ग्रीन डब्बा बना होता है, एग्जैक्टली वो येलो बॉक्स होता है, येलो बॉक्स होता है, अगर आप उसमें चले गए और सिग्नल बंद हो गए तो आपको इतना लंबा वो एग्जैक्टली आपको लग पता जाएगा। एग्जैक्टली हमारे उल्टा होता है, यहाँ पे उल्टा पीछे वाला गाली देता है कि भाई ग्रीन हो गया है, मतलब उसको ग्रीन दिखता है लेकिन जब रेड होता है, रेड नहीं तोड़ना, वो नहीं दिखता उसको। तो उसमें मैंने ये चीज समझाई थी। अब जाहिर है तो यहाँ पे पीपल फोर्स यू टू डू रॉन्ग, ठीक है, आप बेवकूफ हो गए, आप खड़े हो गए। अब जैसे कल मैं 1.5 घंटा इधर फंसा हूँ काला पुल पे, ठीक है, कोई पता नहीं कुछ अजीब ही कोई हरकत हुई हुई थी कल, कुछ पता नहीं क्या चक्कर था, इतना बहुत अनयूजुअल था। अब वहाँ 2 लेनों का रोड है ना, एक जा रहा है एक आ रहा है, ठीक है। अब जब बंदा यहाँ खड़े खड़े थक गया, उसने बोला ये लेन तो खाली है। अब ये लेन खाली इसलिए आने वाली क्योंकि आगे चौक हुआ है, इन्होंने यहाँ से गाड़ी टर्न सिग्नल दिया और पहुंच गए आगे,
अब आगे जाके तो चोक होना ही है ना। अब वो ऑप्शन मेरे पास भी था। अब मैं डर रहा हूँ कि यार कोई आके मोबाइल ना छीन ले, ठीक है, ये भी लोगों को डर होता है। तो अब वो आगे जाके जब चोक कर रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी मिल रही है कि यार ये चोक हमने खत्म करना है तो खुले। तो यानी जिसने गलत किया वो इंसेंटिवाइज हुआ, तो जो मैं सही खड़ा हूँ तो मैं तो गलत में रहा। बिल्कुल ऐसे ही अक्सर होता है कि लोग जो है लाइन को तोड़ के आते हैं और ये आगे बीच में घुस जाते हैं। हाँ, ओवर स्मार्ट के चक्कर में। और अगले वाला भी कहता है कि चलो यार अगर इसको मैं जगह नहीं दूंगा तो फिर सारे ब्लॉक हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ जो सही करता है वही फंसता है और जो फॉलो कर रहा है वो बेवकूफ है। अच्छा, तो एक चीज जो आपके यहाँ पे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज मुझे लगता है जो बेहतर है वो ये है कि यहाँ पे साइकिल्स की जो है वो जरा कम है। सर, साइकिल कराची में फासले बहुत है, फासले बहुत है, साइकिल चला के लुटना थोड़ी उसने। तो छोटे मोटे इलाकों में लोग चलाते होंगे, लेकिन वैसे बिल्कुल उसकी बात वजह फिर यही है कि कम्यूट बहुत है, लोकली लोग शायद चलाते हो। मुझे याद है मैं पुराने मोहल्ले में वो डब रोटी अंडे और ये सब साइकिलों पे आ रही होती, दूध वाला भी साइकिल पे आता था, मगर वो चूंकि उसने लोकली रहना है तो वो साइकिल, अब इस रोड पे वो साइकिल सर पुल ही नहीं चढ़ा सकता, वो इतनी कैल्शियम ही नहीं उसकी बॉडी में कि वो पूरा पुल चढ़ा सके। सही, तो डिस्टेंसेस की वजह से शायद वो उतना नहीं। अच्छा, लेकिन चिंची वाले बहुत मिलेंगे आपको, चिंची और रिक्शे। एक और चीज है कि वहाँ पे हमारे पंजाब में या इस्लामाबाद में काफी जगह पे सेफ सिटी और जो कैमराज लगे हैं उनकी वजह से डिटरेंस ये है कि लोग डरते भी हैं, चलान भी बहुत ज्यादा होते हैं। और वही वाली बात है जो मैं आपसे बात करता हूँ, मैं हमेशा किसी कहता हूँ जिस जगह पे आपको पुलिस ज्यादा नजर आए ना, समझे उधर ये नहीं होगा उधर गड़बड़ है। तो हमारे यहाँ कराची में पुलिस तो नजर बड़ी आती है बट रिजल्ट कितनी गाड़ियों को रोक लेंगे, प्लस उस गाड़ी वाले को पता है अगर मैंने गाड़ी भगा भी दी साथ मेरा क्या कर लेगा। अच्छा, वो नया फैशन भी ऐसा, सॉरी ये बात एकदम शुरू हुई है, कराची में पुलिस वालों ने भी एक रिवॉल्ट किया था एक लिहाज से सोसाइटी के अगेंस्ट, उन्होंने कैमरा पकड़ के वीडियो बनाने। मैं हालांकि उस ट्रेंड के बड़ा खिलाफ हूँ कि मैं और आप बैठे हुए और किसी को वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन वो उन्होंने इसलिए शुरू की होगी मेरा ख्याल है बिकॉज उनके साथ हमेशा ये होता होगा कि लोग इन्फ्लुएंस यूज करके चले जाते हैं, और बिकॉज वो पुलिस इज ऑलवेज पुट ऑन अ नेगेटिव लाइट, तो वो अपनी आप को बचाने के लिए जैसे यूएस वगैरह में भी बॉडी कैम पहना होता है पुलिस ने, वो तो बाय लॉ है ना, बाय लॉ है ना। तो यहाँ पे भी खैर अभी तो ये लॉ के उसमें जुमरे में नहीं आया, लेकिन पुलिस वालों को पता ना कि हमारी वीडियो डाल के हालात अपडेट पे अपना वर्जन चलाएगा, तो वो अपना वर्जन रेडी रखते हैं। ऐसा ही है कि कल को अगर ये बोलें कि जो खातून बोले हमारे साथ जी बदतमीजी की है, ये किए, गालम गलोच किए, तो वो दिखा सकते हैं कि जी मेरे पास भी वीडियो है। तो क्योंकि लोग बना रहे थे तो पुलिस ने भी बनाना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से वीडियो खेलने के बजाय अगर वो प्रैक्टिकली वो रखें तो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों में, देखिए अगर दो वीडियो एक वर्जन आए ना और मैं और आप भी हैं, तो मैं और आप हमेशा कहेंगे यार पुलिस वाला झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, इसकी रीजन ये है कि देखिए वीडियो में तो आपको भी पता है मुझे पता है कोई किसी चीज को भी कैसे भी दिखा सकता है। सही, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। तो पुलिस वाला दिखा रहा होगा कि जी मेरे साथ जाती है, उसी की जब आप ऑपोजिट साइड देखेंगे सिटीजन की वो क्या मेरे साथ हुई है, और इनकी जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है सोसाइटी में हमारी पुलिस का, उसकी वजह से मैं और आप हमेशा 90% टाइम कहेंगे यार सिटीजन जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, पुलिस वाले होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल उस चेंज की भी मेरे ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। अंडर एज ड्राइविंग या बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग के बारे में सर मैं क्या बोलूंगा आपको, आपको शक्ल से लगेगा 14 साल के बच्चे जो है बाइक चला रहे होते हैं, सी व्यू तक आ जाते हैं। ये सामने फ्रेयर हॉल है, संडे को आप हैं यहाँ पे? नहीं मैं अभी तो नहीं, वैसे निकल जाएंगे कभी आता किसी संडे को आए शाम 4 बजे जाएं। सर टिकटॉकर्स की जन्नत, टिकटॉकर्स की मंडी लगी होती है, जन्नत है, और वो सब 14 साल के बच्चे होते हैं ज्यादातर और बाइकों पे आते हैं, और उनसे पूछो कहाँ से आए, वो कहते हैं नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची ऐसे जैसे मतलब कराची से बाहर ही लगा ले इतना, मतलब 1.5-2 घंटे लग जाएंगे अगर हम अभी यहाँ से जाएं। तो वो वहां से बच्चा यहाँ तक पहुंच भी गया एंड विदाउट एनी फेयर कि यार मुझे कोई पकड़ ले, मेरे पास ना लाइसेंस है ना हेलमेट है ना कुछ है, तो वो जो फेयर ही नहीं है ना किसी किस्म का, तो वो बड़ा मसला है। इसमें देखिए ना सबसे इंपॉर्टेंट मैं ब्लेम हमेशा करता हूँ सोसाइटी में, अगर हम दूसरे देखें पुलिस को एक्सटर्नल फैक्टर को गवर्नमेंट को ब्लेम करना आसान है। मोटरसाइकिल्स के ऊपर मैंने एक रिसर्च की थी लाहौर में भी और इधर भी कि घरों के जो काम करने वाले जो है ना खवातीन के जो काम होते हैं चोर होते हैं घर के थोड़े बहुत काम हो गए जी करना है, तो वो घर का जो छोटा बच्चा है ना उसको इनकरेज किया जाता है बाइक पकड़ा ले ऐसा ही ये ले वो ले। तो आप अगर घर पे बैठ के एक चीज इनकलकेट कर रहे हैं उसके अंदर कि भाई ये ओके, आप उसको सड़क पे भेज रहे हैं सोसाइटी का आप हिसाब बना रहे हैं, और जब उसी सोसाइटी में हर घर वाला भेज रहा है तो आप सड़क के ऊपर एक पूल ऑफ बच्चों का डाल रहे हैं जिनकी आप लाइफ रिस्क पे डाल रहे हैं। बिल्कुल, उनकी वजह से दूसरों की लाइफ रिस्क पे डाल रहे हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि वो कोने में दूध वाले तक जा रहा है
जब उसके जब वो कोने तक जा रहा है, फिर वो किसी दिन सीव्यू भी आ जाता है, फिर वो किसी दिन विलियम भी मार रहा होता है, फिर किसी दिन गाड़ी के नीचे भी आता है, फिर कहते हैं जी गाड़ी वाले ने मार दिया, गरीब का बच्चा मार दिया। तो ये बिल्कुल पेरेंट्स की, और ना सिर्फ बाइक वाले, गाड़ी वाले भी अंडर एज ड्राइविंग किसी की भी हो। हाँ, आप अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करें, असल में बेसिकली आप वो एक उस टाइम के मोहब्बत के लिए कि जी हम इसका शौक पूरा करें, उसकी जिंदगी खतरे में डाल। बिल्कुल, और इतने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे, बच्चे ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, वो फास्ट एंड फ्यूरियस देख के घर से, जैसे नहीं हम बचपन में कराटे किट देख के निकलते थे, कजन को भी मार रहे होते थे, पावर रेंजर्स बने होते थे, तो वो फास्ट एंड फ्यूरियस देख के आते हैं, बाबा की गाड़ी खड़ी हुई है, चाबी ली, निकल गए कि कोने तक जा रहा हूँ, फिर वो यूनिवर्सिटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था, चार बच्चे उसमें मर गए थे बेचारे। यहाँ पे इतने होते हैं क्लिफ्टन वगैरह में, आप रात को चाय के ढाबे पे बैठे, आपको वो जो भी बच्चों की भी मूछें निकले नहीं, डोरेमोन जैसी मूछें, सही है, वो आए हुए होते हैं, यार तुम आए कैसे हो, रात के 11 बजे निकले हुए कैसे हो यार, हम तो सोच नहीं सकते। 9 बजे कर्फ्यू होता सर, 9 बजे भी मेरा तो ज्यादा है, मैं तो मगरिब के बाद आवाजें आ रही होती थी ऊपर से, ऊपर आओ वापस। तो ये कैसे पेरेंट्स है, असल में पेरेंट्स जो है ना, इस पे मैंने बड़ी बात की है कि ना पहले बच्चे लोग ना प्लानिंग के लिए हिसाब से करते थे कि यार इसको हमने बड़ा होकर क्या बनाना है, या इसके फाइनेंसिस बेयर कर सकते हैं, इसको हम अच्छा शहरी बना सकते हैं। अब क्या जी, बच्चा क्यों करना है, सास का मुंह बंद करना है, नन को सड़ाना है, भाभी से वन प्लस ले लेना है। तो जब आपने बच्चा किया ही उन फैक्टर्स के लिए था, वो तो फैक्टर हो गया पूरा। अब क्या जी, चलो अब पहले होती थी तरबियत, अब पाला जाता है, अब वो कहते हैं इकट्ठे पैदा कर लो पाली जाएंगे। हाँ, पाली जाएंगे, तो अब बच्चे पल रहे हैं, जब पल रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपके सामने, सड़कों पर बेड़ा गर्क हुआ है। और जो लाइसेंसिंग है उसको बेहतर करने में आपका ख्याल है कितना इम्पैक्ट हो सकता है? सर मैंने तो वो एक साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, वो जरा है तो वैसे बिजनेसमैन, लेकिन दीनी हिसाब से भी जो है उनकी जरा काफ़ी खिदमात हैं, पेशरफ्त है, और वो मदरसों के साथ भी मुंसलिक हैं। मैंने उनको कहा कि महिला देखें, बड़े आराम से कह दिया जाता है कि जी आजकल के बच्चे दीन से दूर हैं, महिला आप थोड़ा जो है ना मस्जिद को थोड़ा यंगस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव तो बनाएं, आप अनाउंस अगर करें कि जी ईशा के बाद जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे, वो बच्चों को गाइड करेंगे कि जी ये हो रहा है, तो बच्चा शौक से आएगा। अब जो ईशा के बाद उसके लिए आएगा तो ईशा भी पढ़ लेगा, उसी बहाने फजर भी पढ़ लेगा, समझ रहे हैं? या फिर ये कि महिला आप मुझे किसी मस्जिद में अलाउ करें, मैं प्रोजेक्टर लेकर आऊँगा, और मौलवी साहब बोले यार आज बयान की जगह ये साहब हैं, ये ट्रैफिक के कुछ कानून बताएंगे प्रोजेक्टर पे, मैं प्रेजेंटेशन बना के आ जाऊंगा कि जी राउंड अबाउट पे आपने कैसे करना है, यहाँ आपने कैसे करना है, सिग्नल पे कैसे खड़ा होना है, लेन पे आपने कैसे चलना है, मतलब ये चीज़ें। तो और लाइसेंस की जो आपने बात की है, लोग गाड़ी चला के जाते हैं लाइसेंस ऑफिस के, जी लाइसेंस बनवाना है, कैसे आ गया वो बंदा आपको, वो तो बगर बस आप क्या करें। मेरे दोस्तों ने दुबई में बैठ के लाइसेंस बनवाया, क्योंकि दुबई का लाइसेंस एक्वायर करने के लिए 40 क्लासें होती हैं, जो कि 6-7 हज़ार दरम पड़ जाते थे उस जमाने में, 2012 की बात है। तो अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस हो तो 40 की जगह 20 क्लास हो जाती है एक फोन पे। हाँ हाँ, एक उनको ये देना चाहिए कि वैसे 20 क्लासें ऑफ करते हैं, हमारा लाइसेंस वैसे एक फाइन पे, सॉरी एक कॉल पे कराची से लाइसेंस पहुंचा होता था दुबई। तो जहाँ आपने लाइसेंस इस तरह बांटने हैं 1500-1500 रुपए के, 2000 रुपए के, तो फिर तो यही होगा ना, केओस होगा। अच्छा, लाइन और लेन सिस्टम की आपने बात की, वो तो मेरा ख्याल है कई जगह एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता कि हमारे यहाँ पे सड़कों पे मार्किंग भी नहीं लेन। हाँ, आपको अंदाजे से करना है कि ये मेरा ऐसा ही है, उसका ऐसा। हाँ, ही है, उसका कराची ऐसा। में बहुत मेजर सड़कों पे अभी तक लेन मार्किंग ही नहीं हुई है, मतलब उस जरूरत ही नहीं ना उसकी। तो आप लोगों को देखें, मैं आपको किसी भी चीज़ का इम्तिहान लेता हूँ या कोई भी चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, पहले मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा। हाँ, फिर मैं आपसे करूंगा ना। हाँ, तो इसमें मैं लोगों से बोलूँ या मैं और आप एजुकेट करेंगे लाइन और लेन, वो कहेंगे दिखाओ किधर लाइन। हाँ, एग्जैक्टली। अब आप ये देखें, अभी जब हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे तो आप लाहौर कराची का हम यही कह रहे थे ना कि लाहौर में सड़कें बन गई हैं, तो अब आप लोग डिमांड कर रहे हैं हेल्थ केयर की, और हमें पानी पे ही लगा हुआ है, बेसिक नेसेसिटीज पे हमारा पे रुका हुआ है ना। अब आप इतना लगाएं, मैं भी एस्करी 11 आया हुआ था लाहौर में, सही है, वहाँ फ्लैटों के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग तो थी, जो गैस पार्किंग थी पिंक कलर की, जी जी, उस पर लाइनें थी, मैं इतना खुश हुआ देख के। मार्क होता है साथ मार्क, सर यहाँ दिखाएं कहाँ है मार्क, ये क्लिफ्टन है, ये मिलियन मिलियन डॉलर के अपार्टमेंट है, दिखाएं ना। ये तो मेरा ख्याल है इनकी तो पार्किंग वैसे ही कोई नहीं है ही नहीं। कराची में तो पूरे में वैसे है नहीं, तो नहीं, कराची नहीं, में नहीं, नहीं, यहाँ नहीं, पे एक अल्टरनेटिव पार्किंग सिस्टम है, वो पठान होते हैं आप। हाँ, उनको 50 रुपए दें, वो गाड़ी की हिफाजत भी करेंगे। हाँ, गाड़ी लगाएंगे। हाँ, वरना यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे आप गाड़ी की पार्किंग कर सके, यहाँ पे बनाया नहीं जाता। अगर आप डिफेंस का कोई भी कमर्शियल एरिया उठा लें, पतली पतली बिल्डिंगें हैं, मतलब वहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती, पार्क करना तो बहुत दूर है। अभी यहाँ पे जमजम है आगे, अभी बोले तो हम चल सकते हैं वहाँ पे, वो एक शॉपिंग एरिया है। अब शॉपिंग एरिया में आप गाड़ी ही नहीं खड़ी कर सकते, शॉपिंग एरिया किस काम का, तो शॉपिंग एरिया किस काम का, और वो बना हुआ है तो वो तो टाउन प्लानर्स जो है वो उसकी फेलियर है असल में। बिल्कुल, यहां पे आपने कमर्शियलाइजेशन की फीस ले ली विदाउट थिंकिंग। हां, फिर ली वाली वो भाई आपका मसला थोड़ी, आपने बेच दिया प्लॉट, अब जिसने आना है शॉपिंग करने वो खुद ही लगाता फिरेगा पार्किंग।
तो यहाँ तो बिल्कुल प्लानिंग ही नहीं की जाती ना, तो बात आपकी बिल्कुल सही है, पहले आप चीज़ दें फिर डिमांड करें ना कि लोग वो चीज़ फॉलो करें। सो आपके लिहाज से अगर आपने किसी को तीन, अगर या मैंने अगर किसी को देने हो कि भाई यार पाकिस्तान की ट्रैफिक को सही करने के लिए दो तीन मेजर स्टेप अगर आपको दे दिया जाए आज टास्क है जी, आपने कराची की ट्रैफिक को बेहतर करना है, क्या करेंगे? सर मैं सबसे पहले फाइंस जो है ना ये 100 से उठा के मैं इनको 10,000 में ले जाऊँगा, और गाड़ी की मालियत के हिसाब से, मतलब मैं अपनी मीरा में था, सही है, 15-16 लाख की गाड़ी थी। अच्छा मैं दुबई का सीखा हुआ हूँ तो मेरे पास लाइसेंस भी वहीं का है, ठीक है, तो मैं मेरे रूल्स जो है वहाँ के याद हुए मैं, ठीक है, तो एक वो होता है ना सिग्नल पे फ्री एग्जिट आप ले लेते हैं, हाँ। सामने का पावे लाल हो, हाँ। आप लेफ्ट जा सकते हो क्योंकि, हाँ। आपको एक लेन दी हुई है, बिल्कुल। तो मैंने सदर में वो ले ली, मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया कि आपने लाल पे ये लिया है, मैंने सर ये फ्री एग्जिट होता है, कह रहे यहाँ नहीं होता, तो मैंने ठीक है माई मिस्टेक, ये मेरा दुबई का लाइसेंस है, मैं वहाँ पे ओके था, उससे मुझे फाइन पता है कितने का किया, 200 रुपए का, ठीक है। अब मैं एक 15 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ, 300 का सिगरेट पी के मैं रोज अपने आप को कैंसर दे रहा हूँ, तो 200 रुपए मेरे लिए तो है ही नहीं ना हिट चाहिए, ये अगर 15 लाख की गाड़ी के हिसाब से वो 15,000 का फाइन करता सही है 1%, तो सर मेरी जिंदगी भर के लिए फटती, फिर मैं कभी भी नहीं करता। तो सबसे पहले तो फाइन एग्जुबरेंटली हाइड हो ताकि डिटरेंस क्रिएट हो, एग्जैक्टली। तो ये है कि वही बात है जो हम कह रहे हैं ना, यहाँ पे पुलिस की इज्जत क्यों नहीं है, हाँ। अगर एक अमीर आदमी है या कोई बच्चा है जो स्पॉइल्ड ब्रैट है वो, हाँ। रोकता है पुलिस वाला, उसे कहते हैं यार क्या कर लोगे मैक्सिमम, हाँ, ये 500 रुपए पकड़ो ये फाइन है जाओ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर डिटरेंस होगी उसको पता लगेगा कि यार 15-20 हज़ार रुपए फाइन है मेरी जेब पे पड़ेगा, या बाप को पता लगेगा तो वो कुछ बेड़े मारेगा, तो उस लिहाज से बेहतर होगा। सर वो दोस्त का दो कजन, दूसरा एक ये बात होनी थी, हाँ, ये देखे ना, ये जो कल्चर है ये देखे लाहौर इस्लामाबाद में नहीं है, ये भी आया उधर गुजरा, हाँ। इस कल्चर के बारे में ख्याल, बिकॉज़ ये बुली करते हैं आपको सड़क पे, बिल्कुल उसके बारे में क्या, इसकी और कोई वजह नहीं है। अब देखे ना ये, वो देखे आगे एक अलग जा रहा है डाले पे, पन्नी पैक है गाड़ी, उसने गाड़ी पन्नी पैक रखी हुई, अभी तक उसे पन्नियां नहीं उतारी, हाँ। लेकिन बंदा पीछे बिठा दिए, इंसानियत उसके अंदर इतनी है, खुद एसी में बैठा है, हाँ, exactly। पीछे उसको गर्मी में बैठा है, हाँ, बैठा खली वली, और अभी तो फिर अच्छा मौसम है तो पीक गर्मी में भी ऐसी बेचारे रोल रहे होते हैं। अच्छा बेचारे मैं इनको नहीं कहता जो पीछे बैठते, बिकॉज इनके अंदर भी एक सरिया होता है, अगर आप कभी इस तरह की गाड़ियों की गाड़ी के पीछे जा रहे हो ना, मेरे साथ अक्सर इत्तेफाक होता है, वो सरिया आपको इशारा करूंगा, क्यों जो भाई, हाँ एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ तू हो, तेरे को साहब को प्रॉब्लम है, वो साइड ना निकलो ना घर से यार, इतना मसला जिंदगी में, इतनी सिक्योरिटी का इशू चल रहा है, हाँ। के दिखाना भी है, फिर आपको हर शॉपिंग मॉल के बाहर आके भी शोधागिरी करनी है, मतलब आपको हर सड़क पे जाना, हाँ, वो मैंने देखा, वो हमें घर के पास स्कूल है बड़ा हाई एंड किस्म का, वहाँ पे बच्चे आते हैं, उसके पीछे एक डाला होता है, उसमें दो गार्ड होते हैं, मतलब बच्चा आ रहा है जंग पे आता है, बच्चा स्कूल आता है जंग पे आ रहा है, और उसके जहन में आप क्या चीज डाल रहे हो, तो ये इट्स अ वेरी कराची थिंग। अब उसकी फिर और रीजंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे छीना झपटी कुछ ज्यादा है, तो ये डिटरेंस होती है। अब जैसे मैं दोस्तों के साथ बैठा था कैफे पे, मीरा खड़ी हुई थी साथ में, कुर्सियाँ थी, तो दो बॉयज आए बाइक पे, फील्डिंग लगा के गए कि अच्छा ये अकेले बैठे हैं और कोई आसपास है नहीं, तो हमने फिर पेट्रोल पंप वाले को आवाज़ दी गार्ड को कि जरा आके इधर बैठ, खैर फिर वो आए नहीं, तो दोस्त ने ये बोला कि यही अगर वीगो खड़ी होती ना ये कभी भी ना आते, क्योंकि इनको होता है यार अगर हमारे पास है तो ये वीगो है तो इसके पास भी कुछ ना कुछ इसने लोड किया हुआ होगा, तो वो वीगो जो है ना डिटरेंस हो जाती है आपकी। सो बेसिकली वो आगे मैं जरा बात करते हैं कि जहाँ पे जैसे हालात होते हैं लोग उस लिहाज से अपना एक अल्टरनेट जो सिस्टम, हाँ बेसिकली, ठीक है। अच्छा पहली चीज आपने कहा था कि जी आप फाइन ज्यादा कर देंगे, दूसरी और तीसरी चीज रहती है, फाइन ज्यादा हो जाएंगे, दूसरा ये कि जो है ना पहला मेरा स्टेप होगा फाइन्स का, तो सेकंड होगा, पहला स्टेप होगा सबके लाइसेंस कैंसिल, सबके कैंसिल, और दुबई स्टाइल के सेंटर्स बनाऊंगा, ठीक है, कराची में लेट से 10 बना दिए डिफरेंट इलाकों में, और 5 साल का टाइम दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है 3 करोड़ की आबादी है तो उनको टाइम तो लगेगा कि अब आपने इसके अंदर अंदर अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, और उसमें जो टेस्टिंग सिस्टम होगा फिर वो दुबई वाला ही होगा, जिस तरह दुनिया भर में जिस तरह होता है, वो आईपैड लेके बैठा होता है और वो आपको बोलेगा लेफ्ट लें राइट लें फलाना फलाना, ठीक है। और उसके बाद जो है अब ये देखें हम जमजमा आ गए, ये शॉपिंग एरिया है, पार्किंग दिखा दें, अब इस बिल्डिंग में दुकानें बन रही हैं, ये दुकानें जब बनेंगी तो जिसके जो जो सर 4 करोड़ की दुकान ले सकता है उसके पास 40 लाख 4 लाख की गाड़ी भी होगी, तो उसकी तो गाड़ी यहाँ आ गई, तो मेरी और आपकी कहेंगी ये प्लानिंग देख लें आप, ठीक है। ये देखें चाचा ने दरवाजा खोला अभी बढ़ते, अच्छा ये दो मार देते तो फिर होता कि जी अब बुजुर्गों से बदतमीजी कर रहे हैं, हाँ। ये बड़ा है हमारे यहाँ कल्चर, हाँ, हाँ, जो आपसे बड़ी गाड़ी में है वो छोटी गाड़ी में वो कहेगा जी अमीर हो और इसलिए दिखा रहे हो, हाँ। खावतीन के साथ मार दो तो फिर वैसे ही आप बदतमीजी कर रहे हैं, हाँ। और बड़ी बड़ी उम्र वाला गलत चला रहे हैं आप उसे कहेंगे तो बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं है, तो वहाँ रिलीजन ले आते हैं। दूसरी से ये हो गई, तीसरी है कि जैसे डॉल्फिन फोर्स है ना इस टाइप की एक फोर्स बना के डंडे लेके, मेरा दिल करता है हंटर हो गाड़ी का, कोई चला रहा ना गलत तो सीरियसली बंदा उसको सीधा तो करेगा एक दफा, मतलब आप मजे की बात है कि 90% ऑफ टाइम जब लोग गलत गाड़ी चलाते हैं ना आप उनके साथ जाए ना
एक तो इशू ये है कि वो अगर आपको पहचानते होंगे तो वो कहेंगे ओए ये क्या कर रहे हो, आपने ये बदतमीजी कर दी, और वो कैमरा निकाल के आपसे बनाना शुरू कर देंगे भैया, वो होगा जी क्या हो गया अपना जाओ। तो मसला ये हमारे ये भी बड़ा ना, हर एक के अंदर तो एक मतलब 30 मार खान हर बंदा है बिल्कुल, तो बंदा फिर कहता है कि यार हाथ बांध के ठीक है भाई आप सही है मैं गलत। सुनील साहब आप अपनी बीवी बच्चों को लेके कभी यहाँ शॉपिंग करने आएंगे? देख ले कहाँ है पार्किंग, ये तो रोड पे खड़ी हुई है, ये तो लेन खा गए ना, दो लेन की सड़क है, अब डेढ़ पे चल रही है गाड़ी। बट वो भी उन बेचारों का भी है ना, वो कहेंगे हम कहाँ खड़ी करें। हाँ नहीं सही बात है, तो और दुकान वालों ने अपनी खड़ी कर दी ना, उस बैंक वाले ने अपनी खड़ी कर दिया, बैंक में मैनेजर भी होगा, तीन चार गाड़ियां तो बैंक में भी आती होंगी ना, कस्टमर कहाँ जाएगा, कस्टमर कहाँ जाएगा। वो तो हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल जो रोड कंजेशन का जो इशू है ना, वो तो हमारी पार्किंग का इशू है और वो गवर्नमेंट का काम है। हाँ, कंजेशन का जाता था। हाँ, बाकी रोड सेंस होना अभी। हाँ, ये इधर से इधर उधर से इधर जो गली से निकलता है ना वो अपनी साइड पे नहीं रहता, उस सीधा मेन पे आता है। सीधी बात है, पता नहीं कि उधर को शायद ज्यादा पैसे मिलते हैं उस साइड पे क्या होता है, मैंने हमेशा नोटिस किया। हाँ, कहीं मेन रोड पे जा रहे हो वो बंदा आएगा सेंटर से, ये नहीं कि वो जिस आप कहते हैं कॉर्नर वाली साइड पे आके पूरा घूम के सीधा आके मेन पे घुसेगा। इसी तरह वो यू टर्न लेने वाला कभी ये वाला नहीं होगा, बीच वाला होगा और पूरा तवाफ करके आएगा, क्योंकि उसको दोबारा एक दफा गाड़ी पीछे नहीं करनी, अपना आप देखना है वो राइट के इंडिकेटर लगा के लेफ्ट मुड़ेगा और यूं पूरी कर। अच्छा सुनील भाई एक और नया ट्रेंड है कराची में, ये देखे ना पिस्तौल का निशान बना हुआ, इसका मतलब गाड़ी में टीटी है तो इधर लूटने नहीं आना। अच्छा ये भी एक स्टाइल है। अच्छा मैं अगर लूटने वाला हूँ सबसे पहले इसके पास क्या निकाल, क्योंकि ये फेक होगा। इसके पास होती तो ये पीछे बिठाता बंदा। हाँ। तो ये तो फेक है, ये हाथ से दो पे लगा हुआ, आप सही कह रहे हैं उस पे भी लगा, उस पे भी लगा। हाँ हाँ ये इट्स वेरी कॉमन, देखिएगा आप। स्क्योर्ड बाय ग्लॉक, स्क्योर्ड बाय ब्राटा, तो मार्केटिंग चल रही है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे जो मुझे बड़ा होता है, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, सिग्नल जब रेड होगा ना तो चल पड़ेंगे, ग्रीन होगा तो रोके होंगे। हाँ। फोन के अंदर घुसे होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर, वो रेड ग्रीन से तो वो स्क्विड गेम याद है ना, आपने वो देखी नेटफ्लिक्स पे सीरीज? नहीं मैं। तो वो ग्रीन लाइट रेड लाइट वाला एक गेम है, उसमें फिर अगर जो हिल जाता है रेड पे सीधी गोलियां पड़ती हैं। अच्छा। तो किसी ने मीम बनाया कि वही गुड़िया खड़ी कर दो और बंदे पिस्तौल वाले, फिर सही होंगे लोग। क्योंकि हमारे मैंने बाहर भी काफी दफा गया हूँ, होता है कि जब आप सिग्नल से निकलते हैं ना तो खासतौर पर दुनिया में जिन भी मुल्कों में जहाँ पे शहरों में कंजेशन है ना, वहाँ वो कहते हैं जल्दी निकलो, रुको ना आप, क्योंकि ट्रैफिक के फ्लो को रोक रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जड़ो हल्की चला रहा है वो ठीक है, आप अगर अगले वाला फोन के अंदर घुसा हुआ ना आप उसको ऑन दे देंगे, आग लगी तेनो कितने जाना है, मतलब स्पीड पे आ रहे हो, बंदा कहते हैं यार तुम साइड पे हो जो तुम्हें मसला है, तुम्हारे बेगम तुमसे लड़ रही है। हाँ। सड़क पे रोक के लड़ लो, मैसेज पे लड़ना है या जवाब देना है, इतना जल्दी साइड पे रुक जाओ, साइड पे जवाब दे रहे हो। इस पे मैंने सुनील भाई एक वीडियो देखी थी, उसमें एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट कि एक रोड है उस पे गाड़ियां एक कांस्टेंट स्पीड पे सारी जा रही है। सही है। सडनली देयर इज अ चिकन दैट क्रॉसेस द रोड। सही है। ठीक है, पहली गाड़ी रुकी, उसके पीछे एक रुकी, उसके पीछे एक रुकी, अब चिकन क्रॉस कर चुकी है मगर वो रुकने का अमल चलता है, पीछे चलता जा रहा है और पीछे तक जा रहा है, तो उसको भी उन्होंने कैलकुलेट किया कि वो 3 miles per hour की स्पीड से वो ब्लॉकेज पीछे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़ा ट्रैफिक जाम होता है, पता नहीं क्या हुआ, आगे जाते कुछ भी नहीं होता, वो हमारी कॉम हजूम है ना, वो एक बंदा गिरा होता है। हाँ। हर बंदे ने गुजरते उसको देख के मजा लेके चले जाना है। हाँ। तो आजकल लेने तस्वीर लेने वाला भी फैशन है कि उसके साथ तस्वीर खींच के दुबई में, दुबई इसको रबर नेकिंग कहते हैं, और दुबई में इस पे 12,000 dirham का फाइन है कि जो वीडियो बना के डालते ना, वो कहते हैं डाल तू, घर पहुंच जाते सर वो। तो अब यहाँ पे जी तमाशा तमाशबीन, एक मैंने वो सोशल एक्सपेरिमेंट किया था दोस्त के साथ, उसका प्रोजेक्ट था एक, तो मैं ना गाड़ी साइड पे खड़ी करके वो एक नाला है उसमें मैं यूं झांक रहा था, इस तरह की और बहुत वीडियोस आई, ये हमने 5 साल पहले की थी। ठीक है। वो उसका प्राइवेट थीसिस था तो वो कभी अपलोड हुई नहीं सोशल मीडिया पर, तो मैं ऐसे यूँ झांक रहा हूँ, अब लोगों ने देखा यार एक पेंट शर्ट, उस वक्त मैं इतना फेमस नहीं था, 5 साल पुरानी बात है, कि एक पेंट शर्ट वाला आदमी क्यों झांक रहा है नाले में, बाइक रोकी वो भी झांक रहा है, फिर और रुके सर ट्रैफिक जाम, 5 मिनट में मैंने ट्रैफिक जाम किया दोनों साइड का, जियाउद्दीन अस्पताल के पास नाजमाबाद में। ठीक है, उसके बाद मैं रश से निकल गया। सही है, और लोग देख ठीक है, अब लोग देख रहे हैं, अब मैं 10 मिनट बाद मैंने ज्वाइन किया, अब पुराना सेट ऑफ पीपल चले गए, नए सेट ऑफ पीपल आ गए, फिर मैंने उनसे पूछा यार यहाँ क्या हुआ है। हाँ। लोग पता क्या करे यार, यहाँ अजदा दिखा है बहुत बड़ा, यानी एक चीज मैंने शुरू की, मुझे पता है वहां कुछ नहीं था, और मुझे कह रहे हैं कि यार वो एक लाश दिखी है, कोई कह रहा है अजदा यहाँ से निकला है तो वो इसलिए लोग खड़े हुए हैं। मेरे लोगों पर टाइम बहुत है, बहुत वेले हैं यार, बड़े वेले। सही। अच्छा ये तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स तो हैं काफी, जैसे मेरा और आपका दिल दुखता है, दो तीन चीजें मुझे भी कराची की ट्रैफिक की पॉजिटिव लगती है, मैं बताऊंगा आपके ख्याल से कुछ जो पॉजिटिव चीजें कराची की ट्रैफिक की हो जो कि बाकी पाकिस्तान में ना होती हो। अच्छा मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा नहीं है, लेकिन जितना मैंने नोटिस किया है यहाँ पे जेंडर रेशियो जो है ना
जो देखी है वो लाहौर में मैंने देखा है, खवातीन चला रही है, अब स्कूटीज भी आ रही है, यहाँ पे भी शुरू हुआ है, यहाँ पे स्कूटीज का बाकायदा गैंग भी है, तो वो जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना वहाँ यहाँ पे वो थोड़ी सी अच्छी और टॉलरेंट भी है लोग थोड़े, तो दैट्स अ गुड साइन। कभी कभी पीछे भी लग जाते हैं, वो चवल तो आपको पता है होते ही हर जगह, लेकिन ये कि जितनी चीजें कॉमन होगी ना, अभी तो हवा बनाया हुआ ना, पहले टैप होता था ना, पहले मुझे याद है एक जमाने में जो औरत गड्डी चला रही है तो वो सीधा एक क्वेश्चन मार्क दो नंबर पे जाता था, दो नंबर, ठीक है, वो अब खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और मैं तो हमेशा इनकरेज करता हूँ कि खवातीन को बजाय इस पे वो डिपेंडेंट रहे कि जी आएगा तो लेके जाएगा, स्कूटी या मोटरसाइकिल वो चला रही है, बड़ी अच्छी बात। हाँ, मैं तो बिल्कुल इस चीज को एंडोर्स भी करता हूँ कि भाई अपनी स्कूटियां लो, कमेटी शमेटी डाल के अपने ये कम्यूट का मसला बिल्कुल हल करें। और इलेक्ट्रिक तो पता नहीं कब आए, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन ये क्योंकि है रिक्शों की ख्वारियाँ, फिर ये राइड हेलिंग सर्विसेज में आपको पता है खावतीन के बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, अकेली लड़की। अच्छा जुनेद भाई, आखिर में एक कराची आते हुए हमेशा जो है ना मैं सोच रहा होता हूँ, और हमेशा प्लानिंग करनी पड़ती है, और खासतौर पर पता नहीं समा मैं हमेशा अगस्त सितंबर अक्टूबर में कराची जरूर आता हूँ जब मानसून होते हैं और कराची डूबा होता है, तो उसके लिए क्या कश्तियाँ ले लें कराची? यार बड़ा ऑफ सीन है मुसिल भाई, अभी मैं इस्लामाबाद में था और मुसलसल एक घंटा पता है कितनी बारिश हुई है कि जब वाइपर घूमता है तो एक सेकंड के लिए साफ होता है ना, वो साफ भी नहीं हो रहा था, ठीक है, इस लेवल की बारिश। और मेरा दोस्त इतना चिल था कि हम घूम के गए, आइसक्रीम खाई, यहाँ तो मैयत हो जाती ना हमारी, आइसक्रीम खाई, उसके बाद दोस्त के कैफे गए, चाय पी, वहाँ ना वहाँ लाइट की ना कुछ, और जब नीचे उतरे पानी भी नहीं जमा था, तो मैं तो मतलब उन्हें पेंडू जिस तरह बिहेव करता है, हाँ मैं पेंडू वाली हरकत में, यार पानी क्यों नहीं है, यही क्यों नहीं, वो हंस रहे थे मुझ पे इस्लामाबाद वाले, क्योंकि यहाँ पे तो बूंदा बांदी पे आप यकीन करें सिर्फ थ्रेट था। पिछले जुम्मे कराची बंद था पूरा, स्कूलों की छुट्टी, जोड़िया बाजार बंद, नो बिजनेस एक्टिविटी, और ये वो जोड़िया बाजार है जो 800 अरब का टैक्स जनरेट करता है साल का, तो उसका आप 300 से डिवाइड कर लेंगे छुट्टियाँ वुट्टियाँ हटा के, तो पर डे का आपने क्या लॉस किया वहाँ पे। तो ये तो हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, गाड़ियाँ तैर रही होती हैं, मैंने इसमें वीडियो भी बनाई थी, जरा सी बारिश हो यहाँ तो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है और बड़ा ऑफ सीन हो जाता है। सिल्वर मुझे पता है मैंने पार्क व्हील्स कभी यूज़ नहीं किए, तो इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये गाड़ी बेचनी हो तो मैंने तस्वीर खींच के लगा लेनी है अकाउंट, क्या है मतलब मुझे प्रोसेस? आप सिंपल, आपने गाड़ी बेचनी है, आप इसकी तस्वीरें लें, विद इन एक मिनट के अंदर अंदर आपका एड लग जाएगा, आपको कोई रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, आप गाड़ी की तस्वीरें लें, उसकी इन्फॉर्मेशन डालें और आप एड लगा दें और आपका एड जो लाइव हो जाएगा और जितने भी हमारे लाखों कस्टमर्स हैं जो कि गाड़ी खरीदना चाहते हैं उन तक पहुंच जाएगा। सही। उसके बाद वो डिफरेंट सर्विसेज हैं जो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कराची बैठे हैं और मैं लाहौर से आपकी गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, मैं गाड़ी देखूंगा, अगर मुझे गाड़ी पसंद आएगी मैं आपको फोन करूंगा, आपसे पूछूंगा कैसी है, आप कहेंगे यार जेन्युइन है, मैं कहूंगा ये जेन्युइन है, ये तो लगी हुई है या पेंट है, तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। उसके लिए हम लोगों ने एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस बनाई है कि आप कार शोर के नाम से इंस्पेक्शन सर्विस है, पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस है, मैं वो कॉल करके आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगी टीम, वो यहाँ पे गाड़ी देखेगी, मुझे घर बैठे पे 200 पॉइंट चेक गाड़ी का मिल जाएगा कि यार गाड़ी का ये बात काम हुआ भाई, ये अवेलेबल है, तो वो मेरे साथ एक इन्फॉर्म डिसीजन में ले लूंगा और मेरी आपकी डील कंक्लूड हो जाएगी। सही। तो उसमें पार्क व्हील्स बेसिकली बायर और सेलर को मिलाने के लिए शादी कराते हैं, ऐसे मार्केट प्लेस, और अलहमदुल्ला पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है गाड़ियों के रिलेटेड, यहाँ पे आप गाड़ियों की खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं, गाड़ी से रिलेटेड पार्ट भी ले सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हुआ जिस तरह मानो हम लोग उसके रिव्यूज बनाते हैं गाड़ियों के, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, घर बैठे हुए अपना पूरा होमवर्क कर सकते हैं। अच्छा, तो एंड टू एंड सॉल्यूशन है उसमें। सो मैंने डू आई हैव टू पे यू फॉर द सर्विस, ये किस तरह मतलब? ये लिस्टिंग योर कार इज टोटली फ्री, बायर सेलर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, दैट इज टोटली फ्री। अगर आपको नहीं होता कि हमारी कोई भी डील हो जाए आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं, उसके अंदर शामिल नहीं है, आप गाड़ी ले रहे हैं वो गाड़ी बेच रहे हैं या आप बेच रहे हैं वो ले रहे हैं, दोनों केस में हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करें। आपने अगर अपनी लिस्टिंग के ऊपर आना है तो आप फीचर एड ले सकते हैं, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने इंस्पेक्शन करानी है, ऑब्वियसली उसके लिए आप पैसे पे करेंगे। सो उस तरह है। या आप लोगों ने भी एक सर्विस शुरू की है सेल इट फॉर मी की, तो अगर आप गाड़ी खुद नहीं बेचना चाहते, यू आर वेरी लेजी, आप कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है फोन लेने का, हाँ यार ये बड़ा ऑफ सीन है यार, तो उसमें सेल इट फॉर मी सर्विस में ये होगा कि हमारी टीम आगे गाड़ी इंस्पेक्ट करेगी, उसकी तस्वीरें खींचेगी, उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएगी और आपसे डिस्कस करके जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो उसको लिए आपको लेके आएगी, अदरवाइज आप शोरूम पे भी दे सकते हैं और कंपनियां भी जिनको आप दे सकते हैं गाड़ी, बट हमारा वादा ये है कि हम आपको मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के अंदर हेल्प करेंगे। सो हमारी टीम जो है वो दे विल सेल इट फॉर मी वाली की जो टीम है वो आपकी समय लें एजेंट होगी गाड़ी बेचने, तो मुझे एक कॉल नहीं आएगी, हमारा कॉल सेंटर आपके लिए कॉल्स लेगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट उनके सामने होगी,
जब वो फाइनल कस्टमर होगा, वापस कस्टमर लेके आएंगे, वो गाड़ी ले जाएगा, आपको पे ऑर्डर दे देगा, अल्लाह खैर। क्योंकि सुनील भाई ये कॉल वाला सीन इतना ऑफ है, लोग रात को एक एक बजे, यार वो आपकी मरगला देखी थी, अबे ये कोई टाइम है मरगला हिल में मैं बैठा हूँ बीवी के साथ? नहीं, वो सवाल भी पूछते हैं गाड़ी के बारे में, कुछ बताएं। ओपन एंड क्वेश्चन है मेरे से। एक बंदे ने पूछा, मैं कहा जाती है सुबह और रात को वापस आ जाती है, क्या मतलब गाड़ी है? मैं कहा नहीं गाड़ी नहीं, बिल्ली है भाई वो। तो इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए फ्रिक्शन भी होती है बायर और सेलर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी आपकी कब की बिक चुकी होती है, अब चूंकि वो नंबर फ्लोट हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुपों में, आपको चार चार महीने बाद भी कॉलें आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो वो उस केस में आपके समझ लेना, आपके लिए मास्किंग होगी कि आप हट गए साइड पे, सही। हमारा एजेंट जो है वो सामने आ जाएगा और उसका काम ही पूरा दिन ये है, वो सफर के साथ जवाब भी देगा, उसे को पूछेगा गाड़ी के बारे में बताएं, तो वो मेरे और आपकी तरह ठग जवाब नहीं देगा उसको, वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो आपके चांसेस ऑफ सेलिंग कार जो बड़े हायर हो जाते हैं। सही है। तो ये एक सर्विस है, ये हम मजीद भी कोशिश करते हैं कस्टमर के जितने पेन पॉइंट हो ना, जो भी हमारा यूजर है, जिस तरह आप भी करें और यूज करें, तो आप हमें बताएंगे तो हम उसको इम्प्रूव करके आगे मजीद, यानी आप फीडबैक प्रॉपर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल और इम्प्रूव। सर देखें, दुनिया जो है ना डिसरप्शन पे चल रही है, जब हम लोग आए थे तो गाड़ियां न्यूज़पेपर पे बिकती थी, फिर पार्किंग ने आकर उसको डिसरप्ट किया। अगर आज मैं बिल्कुल कहूंगा जी मैं 30 मार खाऊं और मुझे सारा कुछ पता है, तो कल को कोई और बच्चा उठेगा जो कि आज शायद ये वीडियो देख रहा हो, वो हमें डिसरप्ट कर देगा। तो इट्स बेटर कि हम अपने आप को खुद डिसरप्ट करें। सही बात। कोशिश यही करते रहते हैं कि नई से नई प्रोडक्ट लेके आते रहे, एवोल्यूशन लाए अपने प्रोडक्ट में, और एक जिसना था खड़े हुए पानी में स्मेल आई थी, खड़े हुए ना रहे, चलते हुए पानी बने और नई से नई ऑप्शन। इनोवेशन के मामले में सुनील भाई मैं भी बड़ा पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि ना एक ही चीज नहीं करनी सारी जिंदगी, एक पॉइंट के बाद लोग बोर हो जाएंगे, तो मैं भी अपने काम में नई नई जिद्दत लाते रहता हूँ, कभी नए चैनल बना लिए, कभी गेमिंग पे चला गया, पॉडकास्ट भी कर ली, फनी वीडियोस भी कर ली, ताकि वैरायटी भी मिलती रहे। एक जगह वो स्टैग्नेंट होगा ना आप, हाँ जी, तो सर 2 मिनट नहीं लगते, हर बंदे के हाथ में कैमरा है, वो कॉपी किसी ने भी आके जो है ना आपको बीट कर जाना है किसी भी दिन। बिल्कुल ठीक। सो यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ योर गेम। तो ये बड़ी खुशी हुई ये जान के कि आप, ये बड़ा पॉजिटिव नोट है मेरा ख्याल है, इस नोट के ऊपर हम वीडियो खत्म करेंगे कि जो भी लोग ये देख रहे हैं, मकसद जो हमने सारी क्रिटिसिज्म की, मैं और जुनैद भाई दोनों सोसाइटी का हिस्सा है, और जो हमने ये बातें बताई कि लोग करते हैं, हम दोनों भी करते हैं। बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, हम ये कोई नहीं कह रहे कि हमको बहुत बड़े कोई होली का हुए हैं या हम बहुत कोई तमीजदार लोग हैं, हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। मकसद ये होता है बात करने का कि उसको बेहतरी लाई जाए, जब बात आपस में होगी तो ही उस बात के बारे में तस्करा होगा, जब तस्करा होगा 10 लोग सुनेंगे, शायद 4 अमल कर लें। और मकसद ये है इस वीडियो का कि हम एज ए सोसाइटी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए एक सेफ सोसाइटी क्रिएट करें, एक अच्छा जो है एटमॉस्फेयर, एक अच्छी रोड और एक जो कल्चर जो है ना हमारी सड़कों का वो बेहतर हो। सो पार्क विलेज, इसके अलावा मेरी और जुनैद भाई की एक वीडियो इकट्ठी भी आ रही है, एक पॉडकास्ट है जो जुनैद भाई के चैनल पर लाइव होगी, उसका भी हम लिंक नीचे लगा देंगे, अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गेहूं माकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।